गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेरीज थी लोगों की, उस पर बात करी थी, तो कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास हैं। एक छोटा सा वीडियो है। तो सबसे पहली तो एक क्वेरी है जो स्पाउस केस को लेकर है कि एक कैंडिडेट जिसने मुझे मैसेज किया, सर मेरी वाइफ जो है वो राजस्थान में वर्किंग है स्टेट गवर्नमेंट में, तो मैं मान लो केवी ज्वाइन करता हूँ तो कितने दिनों के बाद मैं अपनी वाइफ के पास पहुँच सकता हूँ या मेरी ज्वाइनिंग वहाँ हो सकती मेरे जहाँ पर मेरी वाइफ वर्किंग है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा इसको थोड़ा सा, वैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा, डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो ट्रांसफ़र दो तरीके के आते हैं। एक होता है एनुअल ट्रांसफ़र जो सभी के लिए आता है, मतलब उसमें सभी फिल करते हैं फॉर्म, और उसमें क्या होता है एनुअल ट्रांसफ़र में अलग अलग वेटेज होते हैं हर कैटेगरी के लिए, मतलब मार्क्स अलॉट होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो उसमें होता क्या, स्पाउस केस के लिए तीन तरीके की कैटेगरी होती हैं। वो तीन तरीके की कैटेगरी ये हैं कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड के वी एस में ही वर्किंग है, जैसे मान लिया आपकी पोस्टिंग हो गई नॉर्थ ईस्ट में कहीं और वो आपकी वाइफ राजस्थान में ही किसी के वी एस में ही है और आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ राजस्थान आना चाहते हो, तो उसके लिए के वी एस आपको 50 नंबर का वेटेज देता है। मतलब ये कब, जब आपकी वाइफ या हस्बैंड के वी एस में ही वर्किंग होंगे तो आराम से आप आ जाओगे। फिर उसके बाद अगर आप के वी एस में हो नॉर्थ ईस्ट में, आपकी वाइफ की पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किसी स्टेट में है और आप वहाँ आना चाहते हो, तो उसके लिए 40 मार्क्स के वी एस देता है। वो आप जब अप्लाई करेंगे 40 मार्क्स आपको मिलेंगे और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा है कि मान लो आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसा कि आपने बताया है कि राजस्थान में है, तो उससे मुझे यही समझ में आया वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके लिए आपको 30 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और आपका ट्रांसफ़र वहाँ से यहाँ हो जाएगा। फ़ायदा स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है, भले ही मार्क्स वेटेज कम मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि मान लो अभी आप यहाँ आ गए, वो के वी एस में है और आपकी वाइफ भी के वी एस में है और आप भी के वी एस में हैं, आप आ गए, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे, हालांकि फिर आप स्पाउस केस में आ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, मान लो आप तो नॉर्थ ईस्ट से आ गए अपनी जहाँ आपकी वाइफ है वहाँ पर, लेकिन बाद में फिर ट्रांसफ़र हो गया, आपकी वाइफ का हो गया या आपका हो गया, तो उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा रिस्की है। तो सबसे बेटर ये है कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अब स्टेट से बाहर तो उनका ट्रांसफ़र होना नहीं है, तो वो रहेंगे स्टेट में ही, तो आपके लिए भी बेटर यही है, आप भी हमेशा उसी स्टेट में ही रहेंगे। तो ये तीन चीज़ें मैंने बताई। अब ये जैसे आपने पूछा कि कब आ सकते हैं, तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया है कि ट्रांसफ़र एक तो एनुअल ट्रांसफ़र आता है जो हर साल आता है, तो जैसे मान लो अगर अभी आप ज्वाइन करते हो, आपकी पोस्टिंग अभी हो जाती है, तो जब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएंगी एनुअल ट्रांसफ़र की, जैसे अभी तो दो साल से केस चल रहा है एनुअल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो अगर वैकेंसी आती हैं मान लो तो उसमें जब भी आएंगी, वैसे होता तो यही है रूल कि हर साल ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप एक साल बाद आ जाएंगे। दूसरा, एक स्पाउस ग्राउंड पे अलग से वैकेंसी आती हैं ट्रांसफ़र की। एक तो एनुअल ट्रांसफ़र आता है, एनुअल ट्रांसफ़र में जब सभी का ट्रांसफ़र होगा तो उसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका तो हो ही जाएगा, मतलब अप्लाई तो सभी करते हैं, सभी के लिए अलग अलग क्लॉज हैं, लेकिन आप आ जाएंगे। और मान लो उससे पहले स्पाउस केस का अलग से ट्रांसफ़र आ जाता है तो उसमें भी अप्लाई करके आप पहुंच सकते हैं। तो दो तरीके हैं, मतलब एक आपको कह सकते हैं अलग से एक प्रिविलेज मिलता है उन लोगों के लिए जो स्पाउस केस पे ही ट्रांसफ़र होते हैं, और एक एनुअल ट्रांसफ़र में भी स्पाउस के वेटेज मिलते हैं। तो मतलब एक डेढ़ साल में आप आ जाएंगे, जहाँ भी आप, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी अभी आप ज्वाइन कर लें, उसके एक डेढ़ साल बाद आप पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने कहा राजस्थान में आपकी वाइफ है तो राजस्थान आप पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद एक क्वेरी मेरे पास है
कि व्हाट इफ एट द टाइम ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सम ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन दैट सिचुएशन, व्हाट कैन बी अल्टरनेशन ऑफ इट। जैसे इसमें पूछा गया कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मान लिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसका विकल्प क्या है, इन्होंने ये पूछा है। तो इस केस में जैसे ये होता है कि अभी मतलब आपने जब डीवी आपका हुआ होगा इंटरव्यू के टाइम, आपने एक डिक्लेरेशन दिया होगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास डिग्री नहीं है या मार्कशीट नहीं है या कुछ कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो जिसको आपने मेंशन किया है लेकिन आपके पास वो नहीं है अभी, और आपने कोई प्रोविजनल लगा दिया वहाँ पर या डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये जमा कर दूंगा। तो उस केस में होता क्या है कि ज्वाइनिंग के टाइम भी आपके पास नहीं है। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल के ऊपर, जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं उसका प्रिंसिपल कितना कोऑपरेटिव है। वैसे स्टार्टिंग में तो वो ज्वाइन करा देंगे, 90% केसेस में ज्वाइन करा देते हैं, वहाँ भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ केवीज ऐसे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो मूडी होते हैं, उनका सीधा सीधा है। जैसे अगर डिग्री से रिलेटेड है, डिग्री मार्कशीट से रिलेटेड, तब तो मतलब डिक्लेरेशन वो ले ही लेंगे, उसको आप जमा कर सकते हो जब भी अवेलेबल हो। लेकिन कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और उनको लगता है कि आपने फॉल्स क्लेम किया है, तो उस केस में वो आपको ज्वाइन नहीं कराएगा जब तक आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर डिग्री से रिलेटेड कुछ है कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपने कोई कोर्स किया है और उसकी डिग्री अभी नहीं मिली है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रूल है कि वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डिग्री देता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रूल हैं, तो उस केस में तो जायज़ सी बात है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आपने प्रोविजनल ही लगाया होगा, तो उस केस में वो आपको मौका दे देंगे जब आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे यहाँ डिग्री नहीं मिलती है, वो डिग्री 2 साल बाद या 1 साल या 3 साल बाद मिलेगी, या कन्वोकेशन होगा तब मिलेगी, तो मैं तब प्रोड्यूस कर दूंगा, तो उसको वो कंसीडर कर लेंगे। लेकिन मान लो कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई मेजर आप वेटेज क्लेम कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उस केस में वो नहीं ज्वाइन कराएंगे। तो ये आपकी आपके क्वेश्चन का ये आंसर था। स्पाउस केस मैंने अभी डिस्कस ही कर दिया। सैलरी कब से मिलती है, जैसे कहा कि सर जैसे यूपी में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के टाइम के बाद मिलती है, यहाँ कब से मिलती है, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सैलरी के वी एस में तुरंत से ही मिलने लगती है। जैसे मान लो आपकी ज्वाइनिंग आती है और आपने 15 तारीख से पहले ज्वाइन कर लिया। मैंने एक 15 तारीख इसलिए रखी है कि मोस्टली के वीज में 15 तारीख, 15 से 20 तक सैलरी बनने लगती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस जो विद्यालय आपने ज्वाइन किया है, जो के वी एस आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें जो उस विद्यालय की उस महीने की सैलरी बनती है, अगर वो सैलरी अभी नहीं बनी है सारे टीचर्स की, सारे स्टाफ की, और आपने ज्वाइन किया है पहले, तो फिर क्या करेंगे आपको, फिर क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया और सैलरी किसी की नहीं बनी है, तो उन्हीं सब के साथ आपकी भी उसी मंथ से सैलरी बन जाएगी। जैसे आपने 5 तारीख को ज्वाइन किया और महीना 30 का है, तो 25 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में 30 या 31 या 1 को आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर सैलरी नहीं बनी है उस विद्यालय के स्टाफ की, तो उसी महीने सैलरी आ जाएगी। अब आप ज्वाइन करते हो 22, 23, 24 में, तो होता क्या है कि मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में सैलरी 20 तक बन जाती है, तो अब सैलरी बन चुकी है सारे स्टाफ की और आपने ज्वाइन किया है 25, 26 में या 22, 23 में, तो अब क्या होगा कि वो जो जैसे मान लो 22 को ज्वाइन किया और सैलरी बन चुकी है इस विद्यालय की, तो 8 दिन इधर या 9 दिन जो भी इस महीने के होंगे, और नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी आपकी 1 महीने की बनेगी, तो 1 महीने की वो और 8-9 दिन जो इधर आपके हैं, इसकी टोटल बन के नेक्स्ट मंथ में जब सबकी आएगी तब आ जाएगी। मतलब सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, तुरंत से ही मिलने लगती है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे स्टेट में यहाँ पे क्या होता है कि आप राज्य में, जैसे अपने यूपी में ही मैं बात करूँ, कि ज्वाइनिंग के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से जब वेरिफिकेशन आता है तब सैलरी बननी शुरू होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हो सही है, 3-4 महीने बाद मिलनी शुरू होती है, लेकिन वहाँ पे क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुरंत से ही सैलरी आपकी लग जाएगी। फिर उसके बाद सर, बाई पोस्ट अगर लेटर आने में देर हो जाए
लेकिन मेल में लेटर आ जाता है तो क्या आरओ के ऑफिशियल साइट से पीडीएफ डाउनलोड करके डिक्लेरेशन और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उनको बनवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है ये, आप कर सकते हो। कि मतलब सबके साथ यही होता है कि पता चला स्पीड पोस्ट बाद में आ रहा, उसमें टाइम लगता है क्योंकि कौन सा आरओ आपको अलाट हुआ है, उस आरओ से यहाँ तक आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, बीच में छुट्टी भी पड़ गई। तो आपके पास अगर मेल आ जाता है, मेल में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, ऑफर आप अपॉइंटमेंट लेटर, तो कुछ आरओज क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेल कर देते हैं, कुछ हैं केवल अपॉइंटमेंट लेटर ही मेल करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, साइट से जाकर जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए और उन्हीं पे अपना बनवाने स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आपको स्पीड पोस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स का वेट नहीं करना है, उनका वेट करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी। तो करना क्या है आपको, मैंने भी यही किया था, मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे पास मेल तुरंत आ गया था, मेल मैंने निकलवाया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने खैर भेज दिए थे मुझे, मैंने वो सारे निकलवा कर बनवाना शुरू कर दिया था। और फिर स्पीड पोस्ट उसमें जब मेरे डॉक्यूमेंट सारे बन चुके थे और जिस दिन मैं ज्वाइन करने जा रहा था उस दिन मेरे पास, मैं मतलब जैसे मेरी कल की फ्लाइट है तो कल मॉर्निंग में वो डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट वाले मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मेल वाले सारे जो ईमेल के थ्रू आए थे वो बनवा लिए थे मैंने। तो आप बनवा सकते हो। फिर उसके बाद, हेलो सर, आपके वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं एमपी में प्राइमरी टीचर हूँ, इंटरव्यू के समय डिपार्टमेंट से एनओसी लिया था केवीएस में ज्वाइन करने के लिए, रिजिग्नेशन सिर्फ देना होता है या रिजिग्नेशन डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट भी कराना होता है? एनओसी देने के बाद भी सैलरी डिपार्टमेंट को देना होगा क्या? तो इनका कहना है कि इन्होंने एनओसी ले रखी है ऑलरेडी और इनकी क्वेरी है एनओसी लेने के बाद भी क्या हमें सैलरी जमा करनी होगी। तो मैम एनओसी वो एक अलग पार्ट हो गया, एनओसी का मतलब है आपके डिपार्टमेंट को दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो रिजिग्नेशन के जो रूल हैं वो अलग हैं। जैसे आपने एनओसी ले लिया, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है ये एनओसी ली, लेकिन इसके बाद भी जब आप रिज़ाइन करेंगी तो अगर आप डायरेक्ट रिजिग्नेशन देती हैं तो रिजिग्नेशन लेटर तभी एक्सेप्ट होगा जब आप एक महीने की सैलरी जमा करेंगी प्रोबेशन पीरियड में, अगर आप अभी प्रोबेशन पे हैं, और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो 3 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी। ये रूल है। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल के ऊपर कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो उस केस में है क्या कि बेटर यही होगा कि आपका जब रिज़ल्ट आ जाए आप नोटिस एक दे दीजिएगा 1 मंथ सर्विस की, तो उससे आपकी ज्वाइनिंग में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे रही बात, जैसे आपने कहा कि रिजिग्नेशन देना होता है या रिजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कराना होता है, रिजिग्नेशन देना अलग चीज़ है। अब जैसे आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने एनओसी लगाया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके फॉर्म पे जो भी आपने वहाँ जमा करे होंगे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ एनओसी लगी होगी तो वो वहाँ आएगी। तो इससे प्रूव होता है कि केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल को उसको पता होगा कि आप किसी जॉब में हैं, तो अब वो आपसे रिलीविंग ऑर्डर ज़रूर लेगा, बिना रिलीविंग ऑर्डर के वो आपको ज्वाइन नहीं कराएगा। तो इस केस में अब आपके लिए रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कराना भी ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया, क्योंकि रिजिग्नेशन जब एक्सेप्ट होता है तभी रिलीविंग ऑर्डर मिलता है। अब मान लो कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने एनओसी नहीं लगाया है या उन्होंने अपनी जॉब को मेंशन नहीं किया है केवीएस में, तो उस केस में क्या है कि अगर उनको रिलीविंग नहीं भी मिलती है और उन्होंने केवल रिजिग्नेशन दे दिया है मेल के थ्रू और उसकी एक कॉपी रिसीविंग उनके पास है कि मैंने रिजिग्नेशन दे दिया है, वैसे तो रूल यही कहता है कि वो रिजिग्नेशन एक्सेप्ट भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर मतलब सीधी सी बात है कि आपने एनओसी लगाया है, आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास है कि आप जॉब में हैं, तो आपको रिलीविंग भी देनी होगी। बंद करो।